गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग मैं दिन के 3 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। 3 नहीं, एक्चुअली अभी 2:30 बज रहे हैं और मीका को लेने जाना है 3 बजे। उसके बाद आज का दिन थोड़ा रिलैक्सिंग दिन होने वाला है, थोड़ा सा हेक्टिक, थोड़ा सा रिलैक्सिंग। अच्छा, अभी जस्ट क्या हुआ मैं बता दूँ। एक पजामा धुल गया और उस पजामा में थे पैसे, ध्यान ही नहीं रहा यार, तो धुल के सूख भी गए पैसे। जरा उनको रख देते हैं साइड में और हम टाइम देख रहे हैं। मैं टाइम देख रही हूँ क्योंकि मुझे नीचे मीका को लेने भी जाना है, और जैसे ही मीका आएगी बस 10 मिनट में हम निकल लेंगे मसाज सेंटर के लिए। क्योंकि आज मसाज सेंटर कहना गलत होगा, एक्चुअली एक्यूप्रेशर और मसाज सेंटर तो ये कहना सही है। तो वहाँ पे हम जाएंगे जहाँ पे मीका को भी मसाज लेनी है, मुझे भी लेनी है। आज मैं भी हेड मसाज लूँगी। मीका का तो प्रॉपर मसाज होता है, एक्यूप्रेशर होता है। तो लो भाई, हम पहुंच गए हमारे एक्यूप्रेशर सेंटर पे और अब थोड़ी देर में मीका जाने वाली है। जाओ मीका, मीका का एक्यूप्रेशर हो रहा है अभी चालू, अभी जस्ट हुआ है। और मैं भी सोच रही हूँ आज हेड मसाज करवा लूँ बिफोर कलरिंग माय बुढ़ापा। तो इस बुढ़ापे को कलर करने से पहले एक बार ज़रा हेड मसाज करा ली जाए। ये ससुराल जा रहे हैं, लोग बोलेंगे बुढ़ी हो गई, बुढ़ी हो गई बहू। बुढ़ी तो हो ही गई बहू। लेकिन यार दिखा नहीं सकते ना ये बुढ़ापा, तो हम कलर करेंगे कल, आज करा लेते हैं हेड मसाज। तो मेरा हेड मसाज भी स्टार्ट हो चुका है और मज़ा ही आ गया हेड मसाज करवा के, बहुत ही रिलैक्सिंग था। तो बस मसाज करवा लिया मैंने और कुछ नहीं, हेड मसाज ही करवाया मैंने। और देन उसके बाद मैंने करवाया कांस्य थाली मसाज, जो कि हमने पिछले ब्लॉग में भी देखा था कि कांस्य थाली मसाज मैंने करवाया था, जिसमें से बॉडी में से टॉक्सिन्स रिलीज हुए थे, ब्लैक ब्लैक एकदम कोयले जैसे। वो अभी हम करवाएंगे थोड़ी देर से। और यहाँ पे मीका का एक्यूप्रेशर हो चुका है, अब भाभी आएंगी और मीका को मसाज देंगी। प्रॉपर रिलैक्सिंग मसाज मीका को मिलने वाली है अब, और उसके बाद उसको मिलेगा हेड मसाज। हो गया मेरा हेड मसाज, बढ़िया मज़ा आया भैया हेड मसाज करा के। अब भाई मीका की चल रही है मसाज, एक्यूप्रेशर हो गया उसका। 4 बजे आए थे, 6 बज गई। मीका का होते होते 2 घंटे लग गए, कांस्य थाली मसाज भी करना है। अभी तो हेड मसाज चालू हुआ है उसका, लग जाता है यार 2-2.5 घंटा लगता है। अच्छा, और कांस्य थाली मसाज स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मेरे पैरों में कोई कालिख नहीं है, मतलब क्लीन है पैर, नॉर्मल क्लीन। हाँ, एकदम हीरोइन वाले पैर नहीं है, बट क्लीन है पैर। तो अब हम जा रहे हैं कांस्य थाली मसाज करने। ये कांस्य की थाली है, अब चेयर पे हम बैठ जाएंगे और यहाँ पे हम अपनी मसाज करवाएंगे 10 मिनट के लिए। 5 मिनट वो क्लॉकवाइज घूमता है एंड देन 5 मिनट वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। उसके ऊपर डाला जाता है ऑयल या फिर घी, और काफ़ी सारा ऑयल डाला जाता है। और इसमें जो घर्षण होता है ना, उससे घर्षण मतलब क्या बोलते हैं यार अंग्रेजी में, घर्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, साइंस मैंने हिंदी में पढ़ी है एक्चुअली, फ्रिक्शन बोलते हैं भाई इसको, फ्रिक्शन बोलते हैं। जो फ्रिक्शन होता है ना, वो फ्रिक्शन एक्चुअली आपकी बॉडी के पूरे टॉक्सिन्स को खींच लेता है। तो यहाँ पे आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। और हाँ, मैंने भाभी सर भैया से पूछा कि इसको कब कब करवाना चाहिए, मतलब कितनी बार ये एडवाइजेबल है कि इसको करवाना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू देम हफ्ते में 2 बार या 3 बार तो ये करवा ही लेना चाहिए। तो इसलिए, और अगर आप नहीं करवा सकते, ये आपको टॉक्सिन्स निकालनी है बॉडी से, तो भैया वॉक कर लो, पसीना बहाओ मतलब, और खूब पानी पियो, यूरिनेशन के थ्रू निकलेगा या फिर स्वेट के थ्रू निकलेंगे आपके टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स को रहने मत दो बॉडी में, ठीक है। इसीलिए एक्सरसाइज करते हैं लोग, पता है। सिर्फ ये नहीं कि मुझे दुबला होना है, दुबला होने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है, बट फिट रहने के लिए ज़रूरी है, टॉक्सिन्स बाहर निकलने के लिए ज़रूरी है। तो ये हम करवा रहे हैं और मेरे तो ऑलरेडी पैरों में से जो है के थ्रू, एक्चुअली बॉडी में से, नॉट पैरों में से, बॉडी से ये काला काला पदार्थ निकल चुका है बॉडी में से, मतलब नसों में से खिंच खिंच के बाहर आया है ये दिस टॉक्सिन एक्चुअली। तो देख, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है यार ये क्या हो रहा है ये। और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज अभी मैंने भी महीने भर से कोई एक्सरसाइज नहीं करी है और ना ही मैं कोई डाइटिंग पे हूँ, और मतलब बिल्कुल ही मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रही हूँ मैं अभी इस टाइम। मज़े से बस खाती हूँ, पीती हूँ, सो जाती हूँ, मैं भी थक जाती हूँ यार, कितना एक्सरसाइज करेगा आदमी और कब तक करेगा, है ना। तो ऐसा मैं 7-8 महीनों में एक आध बार ऐसा, एक आध महीना मेरा भी ऐसा आता है जब मैं कोई एक्सरसाइज करती ही नहीं हूँ, तो ये उसका नतीजा है, ठीक है। पिछली बार जब नहीं निकला था, जब वो मैंने वीडियो ही नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने कहा यार कुछ रिजल्ट तो दिख नहीं रहा, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई।
और इस बार मैं वीडियो बना रही क्योंकि देखो रिजल्ट साफ दिख रहा है, मीका का एकदम गोल्डन दिख रहा है और मेरा एकदम काला सा। मीका क्योंकि बहुत एक्सरसाइज करती है, एक्सरसाइज भी करती है, डांस भी करती है, सब कुछ करती है, और मैं जो है एकदम सेडेंटरी बढ़िया आराम से जी रही हूँ, तो इसलिए निकल रहा है ये। और ये कासे थाली मसाज कराने के फ़ायदे भी मैंने आपको बताया थे कि अच्छी नींद आ जाती है, क्रैक हील्स ठीक हो जाती है, डाइजेशन अच्छा रहता है आपका, और सबसे बड़ी बात जो आपको बीमार कर सकती है, आपके शरीर के टॉक्सिन्स बाहर आ जाते हैं। टॉक्सिन्स बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, वरना इंसान को बहुत ज़्यादा बीमार कर सकते हैं ये टॉक्सिन्स। देख रहे हो कि ये काले हैं कितना, मतलब ये दिस इज़ जस्ट डर्ट फ्रॉम आवर बॉडी। तो भाई ये निकाल ली हमने तो बाहर, और हमने तो अब डिसाइड कर लिया है कि हम महीने में कम से कम 7 या 8 बार तो हम कांस्य थाली मसाज ज़रूर करवाएंगे। ये मेरे टॉक्सिन्स निकले हैं इतने सारे, जबकि अभी तो मैंने 4 दिन पहले ही करवाया है। और मीका के दिखाना, मीका आपके दिखाओ, कोई टॉक्सिन्स नहीं है, ही नहीं लकीली, बट मेरे देखो, जबकि आपको बताया था मैंने पैर क्लीन करके आई थी। चप्पल पहन लो आंटी को, बोलो चप्पल देंगी आंटी। बहुत देर हो गई थी, हम रुके कुछ खाने के लिए, और जैसे हम रुके खाने के लिए तो एक छोटी सी बच्ची को लेके पहले एक लड़का आया, फिर दूसरा एक और ही आ गया। ये इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके घूमते हैं, कितना गलत करते हैं यार ये लोग। और मीका जो है ये खा रही है, ठीक है हम दे सकते हैं उनको, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट मतलब मैं एक्चुअली उसको एक को तो दे देती, लेकिन वो तुरंत ही मतलब एक के बाद एक आ गए, तो इसके लिए भाई इट वॉज़ नॉट एडवाइजेबल कि भाई इनको दिया जाए या जो भी है, क्योंकि बच्चों का यूज़ करके ऐसा करते हैं। और मीका ने ये कुछ खाया है, क्या बोलते हैं इसको, कसडीला पता नहीं। ओके, तो मीका जो है अपना कसडिल जो डिश है वो लेके घर आ चुकी है, वहाँ से खाई नहीं गई, और अब वो घर पे अपनी डिश खाएगी। कब? हाँ हाँ, तो नाम दोबारा बता देना, मैं तो और कुछ और बात कर रही हूँ। तो आज का क्या नहीं समाप्त, मीका का क्वेसडिल, कौन सी क्वेसडीला, और ये कहता टीनेजर जैसे पिंपल्स आ रहे हैं मेरे। हाँ मैं क्या टीनेजर बन रही हूँ क्या वापस, ऐसे पिंपल्स आ रहे हैं जैसे टीनेज में आते थे, हद। चलो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त हुआ, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। और अब कल करेंगे कल पैकिंग ब्लॉग, ठीक है, चलो बाय।